हेलो ऑल, इस वीडियो में हम बात करेंगे MT5 के लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन के इंटरफेस के बारे में, ताकि आपको अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर ट्रेडिंग करनी हो तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। MT5 को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह से दिखता है। अगर हम फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पॉपअप के माध्यम से बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है न्यू चार्ट। इसके ऊपर क्लिक करके आप करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हो। दूसरा है ओपन डिलीटेड। अगर आपने पहले कोई चार्ट ओपन करके डिलीट किया होगा तो इसके माध्यम से आप उसे वापस ओपन कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है प्रोफाइल, मतलब आप इससे अलग अलग करेंसी प्रोफाइल बना सकते हो। बाद में आता है क्लोज, जो चार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसे हम 1x1 क्लोज कर सकते हैं। बाद में आता है ओपन डाटा फोल्डर। ओपन डाटा फोल्डर पर क्लिक करने के बाद एक फोल्डर ओपन होता है, जहां पर बहुत सारे फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं, जिसका उपयोग हम रोबोट या इंडिकेटर्स के यूज के टाइम पर करते हैं। मतलब हमें यहां पर रोबोट और इंडिकेटर्स की exe को पेस्ट करना होता है। इसके बाद आता है ओपन एन अकाउंट, इससे हम डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट और विड्रॉल, जिससे हम क्लिक करते ही ब्रोकर का साइट ओपन कर देता है, जिसे लॉगिन करके हम डिपॉजिट और विड्रॉल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, इसके माध्यम से हम लाइव ट्रेडिंग अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है व्यू, इसमें आपको दिखेगी लैंग्वेजेस। यहाँ पर आप MT5 की लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हो। बाद में आता है टूल बार, इसमें हम इस तरह के ऑप्शंस को देख सकते हो। इसके बाद आता है चार्ट बार, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चार्ट बार शो और हाइड होता है। नेक्स्ट है सिंबल, सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर न्यू करेंसीज ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप सारे सिंबल्स को देख सकते हो, जैसे FX मेजर करेंसीज, FX माइनर करेंसीज, FX एग्जॉटिक करेंसीज, इंडेक्स, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो। ये सारी करेंसी पेयर्स आप यहाँ पर देख सकते हो और इसे मार्केट वॉच में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है मार्केट वॉच, यहाँ पर आप करेंसी पेयर्स को देख सकते हो जो आपने ऐड की हुई है। इसके बाद आता है नेविगेटर, जहाँ पर आप अकाउंट डिफरेंट इंडिकेटर्स और अदर ऑप्शंस को देख सकते हो। इसके बाद आता है टूल बॉक्स, यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेड, एक्सपोजर, हिस्ट्री, न्यूज और अदर टैब को देख सकते हो। इसके बाद आता है फुल स्क्रीन, जिससे आप चार्ट को फुल स्क्रीन कर सकते हो। नेक्स्ट टैब है इंसर्ट, इस टैब के माध्यम से आप अलग अलग प्रकार की इंडिकेटर्स को चार्ट के ऊपर लगा सकते हो। वो आप नेविगेटर में भी देख सकते हो और यहाँ से चार्ट के ऊपर लगा भी सकते हो। इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो, जिसे हम ट्रेडिंग के टाइम यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो लाइंस, तो इस लाइंस का हम यूज करते हैं ट्रेडिंग के टाइम पर, जैसे वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइन, इनका यूज आप करके देख लेना। इसके बाद आता है एक्सपर्ट, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ एक्सपर्ट्स दिए हुए हैं, जिसे आप चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम आएंगे चार्ट के ऊपर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इंडिकेटर लिस्ट देख सकते हो। अगर आपने चार्ट के ऊपर कोई इंडिकेटर लगाया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक्सपर्ट में आप एक्सपर्ट लिस्ट देख सकते हो, मतलब रोबोट को देख सकते हो। नेक्स्ट है बार चार्ट, इसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से दिखेगा। अगला है कैंडलस्टिक चार्ट, तो ये इस तरह से दिखेगा। लाइन चार्ट को क्लिक करते ही वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगला है टाइम फ्रेम, यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की टाइम फ्रेम को चार्ट पर लगा सकते हो, जैसे 1 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक, और अगर हावर में देखेंगे तो 1 आवर से लेके 12 आवर्स तक।
उसके बाद डेली, वीकली और मंथली चार्ट को आप देख सकते हो। उसके बाद आता है ग्रिड, जिसे क्लिक करने के बाद चार्ट के ऊपर ग्रिड दिखाई देती है और वापस क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल हो जाती है। वॉल्यूम्स को देखना है तो आपको वॉल्यूम्स और टिक वॉल्यूम्स के ऊपर क्लिक करना है तो वॉल्यूम लाइंस आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप चार्ट को जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं टूल्स में। यहाँ पर हमें न्यू ऑर्डर दिखाई देता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप न्यू ऑर्डर यानी कि नया ट्रेड लगा सकते हो। ट्रेड कैसे लगाना है उसे हम बाद में देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। ये चार्ट को रीअरेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अभी हम इस ऑप्शंस को समझते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स है। यहाँ से हम अलग अलग करेंसी पेयर्स के चार्ट को ओपन कर सकते हैं और इस टूल के माध्यम से आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है अल्गो ट्रेडिंग, यानी कि रोबोट को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू ऑर्डर, जो हमने पहले देख लिया है, हम इससे नया ट्रेड लगा सकते हैं। इसके बाद चार्ट के टाइप देख सकते हैं। जूम इन, जूम आउट और लाइंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है टाइम फ्रेम, जिसे पहले हमने देखा है। मार्केट वॉच में आप करेंसी पेयर्स को देख रहे हो। यहाँ पर आप किसी भी पेयर्स के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो इस तरह का पॉपअप ओपन होता है, जहाँ पर चार्ट विंडोज देख सकते हो। उसके ऊपर क्लिक करके आप उस करेंसी का चार्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ से उस करेंसी पेयर्स में नया ट्रेड भी लगा सकते हो। आपको न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। हाइड ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस करेंसी पेयर का चार्ट ओपन है वो सारी करेंसीज को छोड़कर बाकी की करेंसी हाइड हो जाती है और शो ऑल करने के बाद सारी करेंसीज दिखाई देती है। यहाँ से आप सिंबल्स को ओपन कर सकते हो, जो हमने पहले देखा था। चार्ट के ऊपर अगर हमने राइट क्लिक किया तो इस तरह का पॉपअप ओपन होता है। यहाँ पर अगर आपने ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इस तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स के ऑप्शन के साथ न्यू ऑर्डर भी दिखेगा। यहाँ पर आपको एक बहुत ही जबरदस्त फीचर दिखेगा और वो है वन क्लिक ट्रेडिंग। इसे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होता है, उसे एक्सेप्ट करके ओके करना है। ऊपर सेल और बाय का एक बॉक्स दिखेगा। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेल ऑर्डर लग जाएगा और बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पर आप जो ऑप्शंस देख रहे हैं वो सारे ऑप्शंस हमने ऊपर देखे हैं, जैसे चार्ट्स, टाइम फ्रेम, वॉल्यूम, जूम इन, जूम आउट इत्यादि। अगर किसी चार्ट को आप एज इमेज सेव करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, सेव एज पिक्चर के माध्यम से। नीचे प्रॉपर्टीज दिया है, इसके माध्यम से आप कैंडलस्टिक का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको बुल कैंडल और बियर कैंडल का कलर चेंज करना है। बुल कैंडल को ग्रीन कलर देना है और बियर कैंडल को रेड कलर देना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है तो कैंडल इस तरह से दिखेगी। इस तरह से आप MT5 को पूरा जान सकते हो। इसको प्रॉपर समझ लीजिए, ताकि आपको इसे जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे MT5 के इस लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन के साथ हमें कैसे ट्रेडिंग करना है, तो इस वीडियो को भी प्रॉपरली देखिए। थैंक यू।